तो कैसे हैं दोस्तों, जब से बायो डांस का नाम गुड नाइट इंडिया शो के प्रोमो में लिया गया है, तब से ही फैंस का यह डाउट है कि गुड नाइट इंडिया शो के प्रोमो में हमारे बायो डांस सीजन 3 का नाम क्यों लिया गया है, इसकी क्या वजह है। हालांकि हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया भी था और बताया भी था कि गुड नाइट इंडिया शो में प्रोमो के एक प्रोमो में हमारे बायो डांस सीजन 3 का नाम क्यों लिया गया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि अरे यार ये तो फेक कुछ भी बोल देंगे। तो जब वही एक्टर जिसने गुड नाइट इंडिया शो के प्रोमो में यह बोला था बायो डांस सीजन 3 का नाम लिया था, अगर वही आपको दोबारा बताएंगे कि किस वजह से उन्होंने नाम लिया था, तब तो आपको खुशी होगी, तब तो आपको यकीन होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, आई थिंक एक तो सब लोग वो बालवीर 3 देखना चाहते हैं, तो वो काफी लोग लिखते हैं कि बालवीर 3 का बात आई थिंक वो बहुत बड़ा शो है शायद, सॉरी सबका, तो उसके लिए हमेशा एक कीमत रहती है। तो दोस्तों, इस क्लिप में वह यह बताना चाहते हैं कि बायो डांस सीजन 3 के फैंस कमेंट में लिखते हैं कि हमें बायो डांस सीजन 3 चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि गुड नाइट इंडिया शो को भी ऑप्टिमाइजेस्टिक मीडिया ही लेकर आया है और हमारे बालवीर और बायो डांस शो को भी ऑप्टिमाइजेस्टिक मीडिया ही लेकर आया था। तो ऐसा हो सकता है कि वो मेकर्स बायो डांस सीजन 3 को लाना चाह रहे हों, लेकिन वो अभी ना ला पा रहे हों, इसलिए उन्होंने गुड नाइट इंडिया शो को लॉन्च कर दिया और वह जल्द ही देव बायो डांस सीजन 3 को लाना चाह रहे हों। और हमारे प्यारे देव जोशी ने भी कहा था कि उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी फैंस के लिए सरप्राइज होगा और हम फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज सिर्फ बायो डांस सीजन 3 ही हो सकता है। तो अभी आप लोग डिमांड जारी रखिए और ये हैशटैग को आप फॉलो कर सकते हैं, इन हैशटैग को यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में या फिर किसी भी पोस्ट में। तो इन हैशटैग को आप यूज़ कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।